अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग करने लगे हमारे सीरियस मेडिसिन का अगला टॉपिक जो कि है हार्ट फेलियर। ठीक है, अगेन आपका क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका सिनेरियो आता होता है, तीन चार डिफरेंट अंदाज से आता है। बल्कि उसमें टिपिकल सी की बात होती है, मैं भी आपको क्लिनिकल फीचर से पहुंचूंगी तो बताती हूँ कि किस तरह आता है। लेकिन आपने उसका आंसर हार्ट फेलियर लिखना होता है, उसके बाद आपसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है और इसमें बहुत सारी बातें हुई है जो आपने पढ़ी नहीं है। तो हार्ट फेलियर नाम से पता चलता है वो ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट फेल हो जाए। हम हार्ट फेल होने को तब कहते हैं, जाहिर है जब अपना फंक्शन नहीं करता। हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड पंप करना। तो जाहिर है जब हार्ट इस काबिल नहीं रहता कि वो ब्लड को पंप कर सके इतनी अमाउंट में जो कि हमारी बॉडी की जरूरत पूरी करे, मतलब जाहिर है कार्डियक आउटपुट इतना होना चाहिए कि वो पूरी सर्कुलेशन में जो वाइटल ऑर्गन्स है और जो सारे ऑर्गन्स है उनको मिले। अगर हार्ट इतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा तो उसकी एबिलिटी नहीं रही, और अगर कर भी रहा है तो वो किसी ना किसी ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू कॉम्पेंसेट करके कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी लेवल पर डिटेरियोरेट कर रहे हैं हमें, तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। ठीक है, कॉम्पेंसेट करने के बाद मैंने इसलिए किया क्योंकि आपके पास जब पेशेंट का एक दफा हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहा होता है तो हमारी बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं। अल्लाह ताला ने जिस्म में डिफरेंट तरह के तरीके एक्टिवेट करने का सिस्टम बनाया हुआ है, इस तरह से कि अगर आपका हार्ट फेल होने की तरफ जाता है तो सबसे पहले बॉडी उसको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करती है डिफरेंट तरह से। वो डिफरेंट तरह से जब कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करती है तो हो भी जाता है, और उसको हम कहते हैं कि पेशेंट अभी जो रह रहे हैं वो कॉम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर के साथ रह रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स में सिम्टम्स आते रहते हैं, रिलैक्सिंग एंड रिमिटिंग सा कोर्स होता है। उसमें फिर एक ट्रिगरिंग फैक्टर अगर ऊपर से आ जाए तो बस उनका हार्ट डीकॉम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में चला जाता है एंड इट लीड्स टू डेथ अगर ट्रीटमेंट ना दी जाए। तो ये हमारे पास होते हैं कुछ हार्ट फेलियर का किस्सा। तो अगर हम इसकी टाइप्स को देखें तो लेफ्ट हार्ट फेलियर जाहिर है जिसमें आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का जो काम है करने का वो खत्म हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को इजेक्ट करना है, आपकी सारी की सारी सर्कुलेशन में जाना है थ्रू एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का कोई सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हो। सिस्टोलिक डिस्फंक्शन का मतलब ये कि उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ना मेंटेन रही हो ड्यू टू एनी रीजन, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है और कुछ हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो जाहिर ब्लड आगे नहीं जाएगा तो हार्ट फेलियर की तरफ चला जाएगा पेशेंट। और कभी कभार होता है डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में पेशेंट का जो वेंट्रिकल है वो डायस्टली पूरी नहीं करता, यानी कि अब पेशेंट के वेंट्रिकल ने अगर इतना सा उसमें नॉर्मल कैपेसिटी है या जब डायस्टली का टाइम आता है तो वो एक्यूमुलेट होकर इतना ज्यादा ब्लड अपने अंदर कलेक्ट करते हैं। अगर इसी के वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी और वो स्टिफ होके इतने से भी छोटा बल्कि इतना हो गया तो जाहिर है इतने से भी जितना भी ब्लड आ जाए वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं पहली बात करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर भी जाए तो इतने से ब्लड से हमारी बॉडी की डिमांड पूरी नहीं होती, तो इट विल लीड टू आपकी जो ये हार्ट फेलियर है। अब लेफ्ट हार्ट फेलियर के जो फीचर्स होते हैं, जाहिर है आपने हमेशा ये सोचना है कि वहां से बैक की तरफ प्रेशर अब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हार्ट फेल हुआ, यहां से प्रेशर इंक्रीज हुआ लेफ्ट एट्रियम में, सारा ब्लड इधर है, लेफ्ट एट्रियम से पीछे पल्मोनरी वेन से ब्लड आपके लंग्स में चला गया। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर से आपके लंग्स में सबसे पहले मैनिफेस्टेशन होती है। लंग्स में जब प्रेशर इंक्रीज होगा, लंग्स में कहां पर आएगा? आपकी पल्मोनरी वेन से आपकी सारी वेसल्स में आएगा। वेसल्स में जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे तो सारा फ्लूइड बाहर निकल के इंटरस्टीशियल स्पेसेस में कलेक्ट हो जाएगा, तो पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। ठीक है, और पल्मोनरी एडिमा के बाद अगर तब भी ये प्रेशर रिलीव नहीं होता तो फिर ये मजीद बैक प्रेशर जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इनटू योर राइट हार्ट, और राइट हार्ट का फेलियर की तरफ भी पेशेंट चला जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज जो लेफ्ट हार्ट फेलियर में होती है पल्मोनरी एडिमा होती है क्योंकि पीछे की तरफ प्रेशर इंक्रीज होता है। अच्छा, उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है अगर सडनली डेवलप होगा ना ये लेफ्ट हार्ट फेलियर, मतलब अचानक से लेफ्ट हार्ट ने आपके फंक्शन करना छोड़ दिए, तो तब तो आपका लंग में डेफिनेटली पल्मोनरी एडिमा ही होगा। लेकिन अगर आपको ये ग्रेजुअली डेवलप होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके लेफ्ट वेंट्रिकल अपना फंक्शन लूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका आहिस्ता आहिस्ता करके बैक फ्लो इंक्रीज हो रही है और प्रेशर आपकी पल्मोनरी वेसल्स में इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले तो पल्मोनरी वेसल्स में होगा ना, पल्मोनरी वेन्स में, और फिर वो पल्मोनरी वेन्स आपके लंग में आ जाएगी, वहां इंक्रीज होगा। तो ये वेन्स अपने आप को रीमॉडल करेंगी, किस तरह? वेजो कंस्ट्रक्शन करके, पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, पल्मोनरी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे ताकि वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। अब वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जा रहा है, कि जहां भी वेजो कंस्ट्रक्शन होती है वहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन हमारे लिए इस तरह नुकसानदेह होगी कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन सिर्फ पल्मोनरी वेन्स में तो नहीं होगी, सारी पल्मोनरी सर्कुलेशन में होगी। पहली बात तो यहां पर ब्लड फ्लो कम होगी तो आपका ऑक्सीजनेशन लंग की नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजनेशन नहीं होगी तो पूरी बॉडी में हाइपोक्सिया की स्टेट हो जाएगी। दूसरी बात ये कि राइट हार्ट जो हमारा राइट वेंट्रिकल था वो ब्लड पंप करके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेज रहा था। पल्मोनरी हाइपरटेंशन का मतलब है कि पूरी पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रेशर इंक्रीज हो जाना। तो अब राइट हार्ट जब हमारा ब्लड पंप करके आगे भेजने की कोशिश करेगा तो आगे तो रेजिस्टेंस है, आगे तो हाइपरटेंशन है, ब्लड आगे सही से नहीं जाएगा और वो राइट हार्ट में प्रेशर डालेगा।
राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर डालेगा तो वो बैक फ्लो करके राइट एट्रियम पे प्रेशर आएगा तो पेशेंट राइट हार्ट फेलियर में चला जाता है। तो अगर सडनली होगा तो पल्मोनरी एडिमा ज्यादा होगा, ग्रेजुअली अगर लेफ्ट हार्ट फेल होगा तो आपका ये वाला पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी जिससे पल्मोनरी एडिमा तो होने से पेशेंट बच जाता है लेकिन राइट हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है अगर ट्रीट ना किया जाए। ठीक है, उसके बाद आपका जो राइट हार्ट फेलियर अगर बकायदा तो मैं बात करें तो उसमें वो है जिसमें राइट वेंट्रिकल फंक्शन निकल और राइट हार्ट फेलियर का जब बैक प्रेशर इंक्रीज होता है राइट एट्रियम पे तो यहां से सीधी मैनिफेस्टेशन जाती है आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे, यानी आपका जब बैक प्रेशर राइट एट्रियम से आपकी वेन्स में आएगी, वेन्स में जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वही बात है सारा फ्लूइड उनमें से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। वेन्स में ब्लड कहां से आते हैं, सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा से बैक फ्लो जाए लिवर में, लिवर में प्रेशर इंक्रीज होगा तो लिवर में ब्लड वो कलेक्शन होने लग जाएगी, लिवर का साइज इंक्रीज हो जाएगा, हेपेटोमेगैली हो जाती है, यहां से और पीछे जाए जो आपकी पोर्टल वेन थी जो लिवर में लेके आती थी वो उसमें प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपकी सबसे पहले तो कैपिट मेड्यूसी नजर आएंगी, आपको पेट पे मजीद इंक्रीज होगा, एसआईटीज होने लग जाएंगी। ठीक है, उसके साथ साथ एसआईटीज के साथ आप ये देखें पेरिफेरल एडिमा पेशेंट को हो जाएगा, एंकल एडिमा होगा या लेटा हुआ पेशेंट है तो सैक्रल एडिमा होगा, क्यों, क्योंकि सारा बैक फ्लो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में प्रेशर इंक्रीज करिए, वो सारा फ्लूड बाहर निकल के जाएगा तो सारा एडिमा होगा। ठीक है, तो आपके ये राइट हार्ट फेलियर के फीचर्स होते हैं और बाइवेंट्रिकुलर का मतलब होता है कि दोनों हार्ट फेल हो रहे हैं। ठीक है, दोनों हार्ट फेल हो तो दोनों तरह के आपको फीचर्स नजर आते हैं। कॉज क्या क्या होती है मैंने बताया, लेफ्ट की तो बता दी थी, राइट हार्ट फेलियर की ज्यादातर कॉजेज आपके पल्मोनरी, ये भी हो सकती है जो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से भी राइट हार्ट फेलियर हो सकता है लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से भी राइट हार्ट फेलियर होता है, उसको हम कोर पल्मोनेल कहते हैं। हमने कहा था कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रेशर इंक्रीज हो सकता है सपोज नमोनिया में हो रहा है या फिर आपकी और बहुत सारी डिजीजेज हैं जो कि आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन को इफेक्ट करती हैं, प्रेशर इंक्रीज करती हैं और वो प्रेशर आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट पे फर्क डालता है जिससे राइट हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो पैथोजेनेसिस है जो मैं आपसे कहती हूँ कॉम्पेंसेटेड मैकेनिज्म एक होता है वो क्या चीज होती है जरा से उसके बारे में अगर बात कर लें। अगर हम कॉज की बात करें ना हार्ट फेलियर की तो सबसे ज्यादा जो कॉज होती है वो वेंट्रिकल का डिसफंक्शन होता है, चाहे वो राइट वेंट्रिकल है चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज ऑफ द हार्ट फेलियर इज योर वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। कहानी कुछ इस तरह से होती है कि जब वेंट्रिकल्स काम करना छोड़ते हैं, ऐसे पहले कहानी कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास जो कार्डिक आउटपुट है, कार्डिक आउटपुट हमेशा डिपेंड करती है आपके पीछे से ब्लड आ कितना रहा है, उसका प्रेशर कितना है और आगे जो ब्लड हमने भेजना है पूरी सर्कुलेशन में उसको आगे से रेजिस्टेंस कितनी मिल रही है। पीछे से जो ब्लड आएगा और आके डायस्टली में फिल होगा उसको हम प्री लोड कहते हैं, मतलब वो जो उसके उसमें जो प्रेशर वगैरह होगा तो पीछे से आके सारा डायस्टली बनाता है हमारे हार्ट की, वो आपका प्री लोड होता है और ये प्री लोड जब पंप होके आगे जाता है तो जो प्रेशर बिल्डअप होता है जो आगे प्रेशर जिसके अगेंस्ट ये ब्लड भेजा जाता है आगे कहां पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, जब आपका लेफ्ट हार्ट पंप करके आगे ब्लड भेजता है उसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। ठीक है, तो प्री लोड कितना है, आफ्टर लोड कितना है और फिर हमारे पास हार्ट में कितनी ज्यादा रिकॉयल की एबिलिटी है और कितनी उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, क्योंकि मायोकार्डियम की एबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, जो स्टिफ हार्ट होते हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते, इस सब पे आपकी कार्डियक आउटपुट डिपेंड करती है। अगर प्री लोड ज्यादा हो जाए यानी पीछे प्रेशर बहुत बढ़ जाए और पीछे से ब्लड सही से ना आए तो जाहिर है तब भी आपका हार्ट कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। आफ्टर लोड बहुत ज्यादा हो जाए, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, आगे का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए और आपका हार्ट आगे पंप ना कर सके तो भी आपका मसला होगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी खराब हो तो भी मसला होगा। वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन में होता है कि किसी भी वजह से आपका वेंट्रिकल जो है वो अब नहीं कर रहा पंप, चाहे सिस्टोलिक डिसफंक्शन है डायस्टोलिक है जो मैंने आपको बता दिया, वेंट्रिकल आगे पंप नहीं कर रहा। वेंट्रिकल जब आगे ब्लड को एफिशिएंटली पंप नहीं करेगा हमारी कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगी। अब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगी का मतलब यह है कि पूरी बॉडी में ब्लड नहीं जा रहा जितना उसे चाहिए। अब हमारी बॉडी चुप करके तो बैठेगी नहीं, फटाफट से सबसे पहले एक्टिवेट करेगी दो सिस्टम्स को, एक आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, एक आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा। जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है आपको बताया कि क्यों एक्टिवेट होगा, कि आपके पास जब कार्डिक आउटपुट कम होती है तो आपका जो जितना भी ब्लड होता है वो सारा वाइटल ऑर्गन्स की तरफ चला जाता है। वाइटल ऑर्गन्स में आपका ब्रेन एंड हार्ट आ रहे हैं और थोड़ा बहुत लंग्स। ठीक है, तो ब्रेन और हार्ट को जब ब्लड चला जाता है तो बाकी ऑर्गन्स उन पे चारों की तरफ बिल्कुल ही नहीं जाता, खासतौर पर आपकी जीआईटी और किडनी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, बाकी सब इफेक्ट होते हैं, आई ईयर्स आपके बसल सब कुछ होता है, लेकिन जीआईटी और किडनी की पहले हम बात करते हैं। किडनीज में जब उन्हें लगता है कि हमारे पास एडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड नहीं आया, एडिक्वेट प्रेशर नहीं है, तो वो रिलीज करती हैं, फिर वहां पर एक्टिवेट होता है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन आपका ब्लड का एंजाइम है जो एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिवेट करता है, जो फिर एंजियोटेंसिनोजिन को बेसिकली एक्टिवेट करता है। एंजियोटेंसिनोजिन जो आपका ब्लड में होता है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, वही सारा जो सिस्टम है। और एंजियोटेंसिन 2 का काम ही होता है कि ये जाके वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन ना सिर्फ ये पेरिफेरल आर्टरीज में करते हैं बल्कि हर आर्टरी में इंक्लूडिंग रीनल वेसल्स में भी करते हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन से नुकसान मजीद हो गया,
क्या नुकसान होगा कि एक तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से जो आपके हार्ट के वाइटल ऑर्गन थे उनकी सप्लाई और कम होगी क्योंकि क्रोनरी वेसल्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, सेरिब्रल भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी। दूसरी बात, पहले ही किडनीज में ब्लड नहीं था, मजीद वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो किडनीज में ब्लड और ज्यादा कम हो जाएगा, ब्लड और नहीं आएगा तो यूरिन ही नहीं बनेगा पूरा। पेशेंट को पहले अलग यूरिया था यानी कम यूरिन बन रहा था, अब पेशेंट एन यूरिया की तरफ चला जाता है, ठीक है, यूरिन आता ही नहीं है। उसके साथ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता रहना एंजियोटेंसिन सिस्टम इस वजह से ताकि किसी तरह ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाए, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब कॉम्पेंसेशन होनी हो तो ब्लड प्रेशर मेंटेन हो भी जाता है इस वजह से, लेकिन अगर डीकॉम्पेंसेशन होनी है तो नहीं होता, ठीक है। अच्छा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ दूसरा जो काम किडनीज करके वाटर और सॉल्ट रिटेंशन शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि उसे नजर आता है कि हमारे बॉडी में वाटर और सॉल्ट की कमी है तो वाटर और सॉल्ट रिटेन करती है ताकि किसी तरह पूरा हो। तो पहले ही हार्ट पे बोझ ब्लड जा रहा था, हार्ट के अंदर तो ब्लड जा रहा था ना, हार्ट में पंप करने की एबिलिटी नहीं है, वेंट्रिकल्स काम नहीं करे तो पंप नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम तो कम नहीं था, अब किडनीज मजीद वाटर और सॉल्ट रिटेंशन कर रहे हैं तो वो मजीद रिटेंशन की वजह से और वॉल्यूम ओवरलोड होता जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी मसला बढ़ रहा है कि एक तो वॉल्यूम ओवरलोड मजीद किडनीज कर रही है। अच्छा, उसके साथ साथ ये तो हो गया रेन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एल्डोस्टेरोन भी आपको ये कुछ कर रहा होता है। तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक तरफ तो वो आके हमारे पास एक्टिवेट होते हैं तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट के रेट को इंक्रीज करते हैं, उससे थोड़ा सा फायदा होता है। अभी मैं बता रही हूँ कि हमारे पास अगर कॉम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर हम जिसको कहते हैं उसमें यही मैकेनिज्म्स काम कर जाते हैं। किस तरह? मतलब वो हार्ट फेलियर इतना नहीं होता कि जो हार्ट है वो बिल्कुल भी काम ना करे, उसमें सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है और जाके आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को और दूसरी जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज कराते हैं तो वो किसी हद तक ठीक हो जाते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। और लेकिन वही बात है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी उसके साथ जाके वेसल्स पे जब एक्ट करेगा तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, ये भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा तो ये मजीद और वेसल्स में प्रॉब्लम करेगा। तो जो कॉम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर होता है उसमें यही मैकेनिज्म जब चलते हैं, ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये दोनों काम कर जाते हैं। और इस साइकिल पे हमारे पास क्या रिजल्ट होता है इसका, कि बॉडी में बहुत ज्यादा एंजियोटेंसिन है, बॉडी में सिम्पैथेटिक सिस्टम मुसलसल एक्टिवेटेड है, उसकी रिजल्टेंटली बॉडी में मुस्तकिल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई हुई है, मुस्तकिल तौर पे बीपी आपका इंक्रीज हुआ है, मुस्तकिल तौर पे आपका पल्स रेट जो है वो नॉर्मल नहीं है, वेरिएबल है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वाटर और सॉल्ट रिटेंशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओलिग यूरिया है पेशेंट को, इसके रिजल्ट में आपका हार्ट काम कर रहा है। इन सारे मसलों के साथ हार्ट काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली बात है कि ये सारे मसले नॉर्मल नहीं है, दिस इज कॉल्ड कॉम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर। अगर यही मसले ठीक नहीं कर पाते और मजीद वर्सनिंग होती जाती है, वही बात है कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो मजीद वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आपके ऑर्गन्स को और सप्लाई नहीं जा रही, वाटर और सॉल्ट टेंशन से पेशेंट का एडिमा और बुरा होता जा रहा है, जो हार्ट की थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करने की कोशिश की थी उसने कोई फायदा नहीं दिया खास किस्म का, इवन हार्ट पे फ्लूड ओवरलोड और बढ़ गया, तो इससे हम कहते हैं डीकॉम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर विच कैन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो ये वही सारी बातें जो आपने पहले भी पढ़ी हुई थी फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म वाली, दोबारा से रिपीट हो गई, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और तरह का जो हार्ट फेलियर होता है ना वो होता है आपका हाई आउटपुट फेलियर। हाई आउटपुट फेलियर का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे डिजीजेज हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जैसे आपकी थायरोटॉक्सिकोसिस होती है जिनमें हार्ट की पंपिंग बहुत ज्यादा, कार्डिक आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा कार्डिक आउटपुट हो जाता है कि उसकी वजह से भी हार्ट पे इतना प्रेशर पड़ता है, इतना जोर से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके मसल्स की डेथ होने लग जाती है, डेटियोरेट होने लग जाते हैं और फिर वो आपके हार्ट फेलियर की तरफ जाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थायरोटॉक्सिकोसिस, सिवियर थायरोटॉक्सिकोसिस वगैरह में, बेरी बेरी जैसी डिजीज में हो जाते हैं। अच्छा, एक और बात मुझे बताने यहां मैं भूल गई थी, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है हार्ट की, जब डीकॉम्पेंसेटेड फेलियर होता है ना तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है, मतलब ये किस तरह चीज आपकी कंट्रीब्यूट करती है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट को कह रहे कॉन्ट्रैक्ट करो, लेकिन हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डेफिनेटली बाद में कोई ब्लड सप्लाई भी चाहिए ना, क्योंकि ऑक्सीजन होगी, एटीपी आएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब कंस्ट्रिक्शन हो रही है वेसल्स की, ब्लड सप्लाई बेचारे को मिल नहीं रही, इस्कीमिया ही इस्कीमिया है, तो उसमें वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कॉन्ट्रैक्ट करने का कहते हैं ना, तो इससे वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय उसके सेल्स की डेथ शुरू हो जाती है, मायोसाइट इंजरी एंड मायोसाइट नेक्रोसिस शुरू हो जाता है, तो एक्यूट ऑन क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो जाता है, मतलब एक्यूट हार्ट फेलियर वहां पर आ जाता है, एमआई आ जाती है, जहां पर आपका बहुत ज्यादा इस्कीमिया होगा और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसके कहेगा कॉन्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो ये भी सिलसिला हो रहा होता है। दोबारा हाई आउटपुट फेलियर हमने कर लिया, और फिर आपके पास वेल्वुलर डिजीजेस इज अ मेजर कॉज अगेन, वाल्व्स की इनकॉम्पिटेंसी होती है, आपकी कहीं स्टेनोसिस है, कहीं रीगर्जिटेशन है, दे कैन ऑल्सो कॉज हार्ट फेलियर, ठीक है। अगर जाहिर सी बात है माइटल वाल्व स्टेनोसिस है तो ब्लड आएगा ही नहीं प्रॉपरली, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा नहीं, तो कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं होगी और इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर। इसी तरह और भी तरह की एओर्टिक स्टेनोसिस हो तो भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, एंड वगैरह वगैरह।
अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास जो हार्ट फेलियर में आते हैं ना, एक्यूट और क्रॉनिक की हम बात करते हैं। राइट हार्ट फेलियर को इतना ज्यादा डिस्कस इस वजह से नहीं यहाँ पर किया हुआ क्योंकि आपके पास हमारे पास जो एग्जाम है उसमें सिनेरियो में आते ही नहीं है कभी राइट हार्ट फेलियर, हमेशा लेफ्ट ही पूछ रहे होते हैं। लेकिन आपने कुछ चीजें लाजमी याद रखनी है जो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है राइट हार्ट फेलियर के बारे में, मैं आपको अभी अगली वीडियो में बताती हूँ। लेफ्ट में आपने याद रखना है कि एक तो एक्यूट है, एक्यूट एपिसोड वही वाली जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करते हैं, मतलब एक्यूट का मैंने आपको बता दिया था जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कि अचानक से लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन खत्म हो, बैक पेशेंट की जो पल्मोनरी एडिमा और ये सब कुछ, पेशेंट प्रेजेंट करते हैं सिवियर ब्रेथलेसनेस, अचानक से उसको सांस, और ये एक्यूट है तो अचानक से होता है, कहते अचानक से मुझे सांस बहुत शदीद उखड़ने लग गए और सांस आ ही नहीं रहा, और लेटे हुए तो बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब ऑर्थोपनिया की कंडीशन वो आपको बताता है, और उसके साथ साथ उसके नजर आ रहा होता है कि बिल्कुल ठंडे पसीने छूटे हुए, रंग फक हुआ हुआ क्योंकि उसकी बॉडी में सर्कुलेशन ही नहीं होती, पेरीफ्रीज को हाथ लगाएंगे बिल्कुल ठंडी होगी, कूल होगी, उसके साथ उसका बीपी और पल्स थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होगा। लेकिन अगर पेशेंट थोड़ा सा लेट प्रेजेंट किया और वो कार्डियोजेनिक शॉक में है तो फिर आपका पल्स और बीपी भी कम ही होते हैं पेशेंट के। उसके साथ आपको क्या साइंस मिलेंगे, साइंस एक्यूट हार्ट फेलियर में आपको मिलेंगे, आप जब चेस्ट को सुनेंगे तो आपको पल्मोनरी एडिमा फील होगा क्योंकि आपके सारे के सारे लंग्स में खासतौर पर बेसिस पे फाइन क्रैकल्स मिलेंगे। क्रैकल्स तब होती है जब आपका फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होता है लंग्स की, यानी पल्मोनरी एडिमा होता है, तो आप जब ऑस्कल्टेट करते हैं तो आपको यहाँ पर क्रैकलिंग साउंड महसूस होती है। तो खासतौर पर जब एक्यूट एडिमा होता है तो आपकी बेस पे सबसे पहले फ्लूइड कलेक्ट होता है तो आपको बेस पे क्रैकल्स मिलते हैं, और यही प्रेशर जब बैक फ्लो करके राइट हार्ट में जा रहा होता है और राइट हार्ट में प्रेशर इंक्रीज होता है, राइट हार्ट में प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब होता है कि आपका भी राइट हार्ट फेलियर नहीं हुआ, सिर्फ प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो सबसे पहले आपकी जो वेन जिसमें नजर आएगा आपको वो जेवीपी होती है, जुगलर वीनस वेन, जुगलर वीनस पल्स प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इन चीजों के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, अगर इससे भी ज्यादा सिवियर होगा तो फिर आपका पेरिफेरल एडिमा होगा, लेकिन नॉर्मली एक्यूट में पेरिफेरल एडिमा नहीं होता। उसके साथ एक्यूट हार्ट फेलियर में एक और चीज बनी होती है, वो होती है एपेक्स बीट की शिफ्टिंग। अब वो है जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर है, उसमें आपको बताऊंगी कि आपकी एपेक्स बीट नॉर्मली है ना फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन, लेकिन जब आपका लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है तो सारा प्रेशर, सारा ब्लड आगे लेफ्ट हार्ट में एक्यूमुलेट हो रहा है और वो आगे नहीं जा पा रहा, उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत डायलेट कर जाता है। ठीक है, डायलेटिंग होती है, थिनिंग ऑफ द वॉल हो जाती है उसकी, तो उसकी वजह से क्या होता है आपकी एपेक्स बीट भी शिफ्ट होकर थोड़ी और लेफ्ट साइड पे चली जाती है, टुवर्ड्स लेफ्ट यानी सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस में चली जाती है, नीचे भी चली जाती है और लेफ्ट पे भी चली जाती है क्योंकि वेंट्रिकल सारा डायलेट हो गया। ठीक है, तो आपकी मिड एक्सिलरी लाइन तक चली जाती है, मिड क्लेविकुलर लाइन से आपकी एपिक्स बीट इतनी डिस्प्लेस हो जाती है, लेकिन ये आपकी होती है क्रॉनिक हार्ट फेलियर में, एक्यूट में नहीं होती, एक्यूट में टाइम ही नहीं मिलता, एक्यूट में बस इधर से फेलियर होता है, उधर से पल्मोनरी एडिमा होता है, उधर से पीछे रेस जेवीपी होती है और पेशेंट ब्रेथलेसनेस कफ और हेमोप्टेसिस और ऑर्थोपनिया और इन सब के साथ प्रेजेंट करता है और उसकी डायग्नोसिस हो जाती है, एपिक्स बीट के शिफ्ट होने का टाइम नहीं मिलता, ये क्रॉनिक का फीचर है। ठीक है, तो क्रॉनिक हार्ट फेलियर को अगले पार्ट में कहते हैं, किसी कोई मसला हो कि ना, थैंक यू।